अगर आपने नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए दिव्या पंजाब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर करें। भाजपा के छुटबया नेता उतरे अनर्गल बयानबाजी पर बीवीएन का मीडिया एकजुट होकर पहुंचा एसडीएम के द्वार। पत्रकारों के संवैधानिक हितों का किया जा रहा है हनन। बिकाऊ और भांड कहने पर मीडिया संघों के तेवर तलख। बड़के पत्रकार काली पट्टियां बांधकर जेपी नड्डा के कार्यम के बहिष्कार की तैयारी। एसडीएम को शिकायत देकर की कार्रवाई की मांग। मुद्दा जो सोशल मीडिया पे उठ रहा है, ये कोई राहुल वर्मा का नाम का एक बीजेपी का कार्यकर्ता है जिसने यह अभद्र भाषा लिखी मीडिया के बारे में। मीडिया एक चौथा स्तंभ है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मीडिया के बारे में वो हम देखेंगे हमने कैसे खबर लगानी है, किस हिसाब से लगानी है। हम बीजेपी के राय से नहीं चलेंगे कि वो बोलेंगे कि ये खबर लगाओ ये नहीं लगाओ, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ़ हम धरना प्रदर्शन देंगे। अभी हम एसपी के पास जाके एक विज्ञापन दे रहे हैं और उसके बाद एसडीएम के पास। अगर इन्होंने 24 घंटे के अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पत्रकार उन्होंने कोई असाइनमेंट दी थी अपनी एमएलए के कोई कार्यक्रम उनका, उसको लेकर उन्होंने जो समाचार अपना दिया था उसमें सोशल मीडिया पे कुछ भाजपा के कुछ तथाकथित नेता भी हैं, कुछ उनके कार्यकर्ता हैं, विधायक की शह पर उन्होंने अभद्र व्यवहार उसके परिवार के प्रति उसके प्रति और उसको जान से मारने की धमकी, जाति सूचक शब्द का ऐसा प्रयोग किया है जो बहुत निंदनीय है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम 24 घंटे का इसको वक्त देते हैं, विधायक को भी, इनका जो मंडल अध्यक्ष है उसको भी, कि इन कार्यकर्ताओं को जो है बाहर निकाल, पार्टी से बाहर निकाले, माफ़ी सड़क तौर पर माफ़ी मांगे। 24 घंटे के अंदर इन्होंने माफ़ी ये नहीं मांगते हैं तो हम सारे पत्रकार इकट्ठे हो गए, बीवीएन के पत्रकार सारे इकट्ठे हो गए, काली पट्टी बांध के बाजार में रोष रैली निकालेंगे और एसटीएम कार्यालय के बाहर धरना देंगे। देखो जिसने भी टिप्पणी की है, चाहे वो भाजपा के है चाहे किसी और पार्टी के है, उन्होंने एक बहुत गलत किया है और एक पत्रकार का काम है वो अपनी खबर चलाएगा है, चाहे ये पत्रकार नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो अपना नज़रिया है। पत्रकार जब खबर बनाता है तो उसके लिए तो सिर्फ खबर होती है ये, है ना। अगर उन्होंने खबर लिखा है जो कुछ लोग इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और जाति सूचक जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको सहन नहीं किया जाएगा। अगर इसी तरह से ये करते रहे तो हम इसका बहिष्कार करेंगे और जब तक वो लोग सार्वजनिक तौर पर अपनी माफ़ी नहीं मांगते तब तक हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। आज के लिए आज हमारी बैठक हुई थी, इसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार और प्रेसिडेंट बीबीएन प्रेस क्लब के थे, मोदगिल जी भी थे, उनके साथ दूसरे पत्रकार थे, सभी सीनियर थे। उन्होंने बैठ कर यही फैसला लिया है कि अगर ये सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगते तो प्रेस क्लब में तो भी जो है ना हमारे जितनी भी मीडिया वो उसको बहिष्कार करेगा, और अगर ये नहीं करते तो जरूरत पड़ी तो मीडिया सड़कों पर भी उतरेगा और रोष व्यक्त करेगा और काला रिबन लगाकर इसका रोष व्यक्त और रैली निकालेगा। इसमें आज दून पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारी यहाँ नालागढ़ पहुँचे थे, हमारी अपना एसोसिएशन के सचिव हैं विजय चंदेल जी और बाकी टीम यहाँ पहुँची थी। तो जो भी यहाँ पे नालागढ़ में ये सोशल मीडिया पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने ओछी हरकत की है, दून पत्रकार संघ इसका कड़ा विरोध करता है और हम हर मोर्चे पर हर जगह जहाँ जहाँ भी है हम इसका बहिष्कार करेंगे और इसका विरोध करेंगे, क्योंकि मीडिया पर इस तरह की टिप्पणियाँ जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इनकी एक न्यूज़ के संबंधित में इन्होंने शिकायत की है कि सोशल मीडिया पे जो है न्यूज़ लगाने के बाद बहुत सारे लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स किए हैं, कुछ उनको पर्सनल लेवल पे उन पर अटैक हुआ है सोशल मीडिया पे, तो इसमें इन्होंने सोशल मीडिया की कुछ क्लिपिंग्स भी कुछ उसके फोटोग्राफ्स इन्होंने लगाए हुए हैं, तो इसको फर्दर इंक्वायरी के लिए हम पुलिस को फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एनोनिमिटी का फ़ायदा लेके कमेंट्स करते हैं, सो इनकी आइडेंटिटी हमें पहले वेरीफाई करनी होगी कि क्या ये एक्चुअली वही लोग हैं जिस नाम से वो प्रोफाइल को यूज़ कर रहे हैं या जिस नाम से उनकी प्रोफाइल मीडिया पे एग्जिस्टिंग है। सो वो इंक्वायरी करके ही फर्दर एक्शन जो है पुलिस एज पर लॉ इसमें ले सकती है। संदीप शर्मा, दिव्या पंजाब टीवी, नालागढ़।